साथियों, मेरा नाम पवन शर्मा है और मैं बारह जिलों से बिलोंग करता हूं और मैंने डिजिटल यूथ फेस्टिवल 2020 में पार्टिसिपेट किया है और मेरा टॉपिक है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में तनाव को कैसे दूर किया जा सकता है। तो हम बात करते हैं कि तनाव कैसे उत्पन्न होता है। जब हमारी कोई किसी काम को करने की इच्छा हो और वो काम समय पर नहीं होता है या कोई उसमें रुकावट डालता है तो हमें तनाव महसूस होता है। तो तनाव ऐसा नहीं है, कोई सी भी आयु में कोई सी भी अवस्था में तनाव हो सकता है। जैसे कि बचपन में यदि कोई बच्चा है उसको खिलौना या कोई खेलने की सामग्री नहीं मिलेगी या उसके खाने की कोई चीजें हैं उसे नहीं मिलेगी तो बच्चा तनाव महसूस करेगा। युवा अवस्था की बात करते हैं तो पढ़ाई को लेकर के तनाव हो सकता है या फिर जो उम्र है उम्र के हिसाब से उसने अगर कोई रास्ता गलत अपना लिया है और उसका जो प्रभाव पड़ता है उससे भी युवा अवस्था में तनाव हो सकता है। और यदि हम हमारी अवस्था की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पास काम है और काम के समय पर तनाव होता है, जैसे कि समय पर काम का नहीं होना, कोई काम हम करने वाले हैं उस काम का कंप्लीट नहीं होना, तो बहुत सारी समस्याएं हैं जिनके द्वारा तनाव महसूस होता है। लेकिन हम इनको कम कर सकते हैं, जैसे कि हम युवावस्था की बात करें तो हम अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई करें और जो हमारे रास्ते हैं सही रास्ते हैं उन पर चलें, गलत रास्ते का को हम नहीं अपनाएं। काम के समय अगर बात करते हैं हम तो काम के दौरान हमें हमारा पूरा मंथ का या साल भर का एक प्लान स्ट्रेटजी तैयार करें और उसी के अनुसार हम काम करें। और भी बहुत सारे छोटे छोटे उपाय हैं, जैसे कि डीप ब्रीथिंग है। काम के दौरान तनाव होता है तो हमें अपनी चेयर पर बैठ करके दोनों आंखों को बंद करके लंबी सी सांस लें और ऐसा हम 1 से 2-3 मिनट तक कर सकते हैं। रोजाना योगाभ्यास करें, जब भी तनाव महसूस करें तो ठंडा पानी पिएं, बच्चों के साथ समय व्यतीत करें, अपने परिवार को समय दें, खाने पीने की व्यवस्थाएं रखें, बच्चों के साथ बैठ करके खाएं, लॉन्ग ड्राइव पर जाएं, मूवी देखें। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे और भी है, समय मिले तो पार्क में जाकर के बैठें ताकि वातावरण शुद्ध मिल सके। इस तरह के छोटे छोटे उपाय करके हम हमारे तनाव को दूर कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।